नमस्कार, हमारे ब्लॉग डैड एंड ट्विंस पे आपका स्वागत है। और ये यूपी टू यूएसएस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है जो मैं डॉक्टर कंचन सोनकर के ऊपर। नए हैं तो बता दूं कि डॉक्टर कंचन सोनकर मेरी वाइफ हैं। एज ए लड़की क्या प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वे लड़कियों के लिए उतनी फ्रीडम नहीं है जितना लड़कों के लिए है, और कैसे पढ़ाई किया, पढ़ाई में कितनी अव्वल थी या और घर में क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड था, मम्मी पापा ने कैसे इनको सपोर्ट किया या कैसे सबसे फाइट करके यहाँ तक। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी से। पहले बताइए आप सबको कि परिवार में कौन कौन है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर कंचन सोनकर हूँ। मैं यहाँ जॉन्स हॉपकिंस में एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और पीएचडी मैंने लखनऊ से की है, लेकिन उसके पहले की मेरी पूरी पढ़ाई इलाहाबाद से हुई है। और घर में मेरे मम्मी पापा और हम पांच भाई बहन हैं जिनमें से मैं सबसे बड़ी हूँ। तो पहले चलेंगे हम कि मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे थे। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पापा ठीक ठाक, पापा ने ग्रेजुएशन किया हुआ था। और लेकिन वो उन दोनों की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनके सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें। हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो कि एक ही जगह सब लोग रहते थे, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से पढ़ाई लिखाई पर बच्चों के बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारे घर के पास में ही एक स्कूल था जहाँ पे घर के सारे बच्चों को भेजा जाता था पढ़ाई लिखाई के लिए, और इंटरवल हुआ या कुछ भी हुआ वो घर भाग आते थे। मेरी मम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने शुरू से मुझे घर से बहुत दूर स्कूल में डाला ताकि वहाँ पे कुछ भी हो मैं किसी भी हाल में घर नहीं आ पाऊँ। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई स्ट्रिक्ट वे में। कि कैसे आपकी पढ़ाई क्लास 1 to 5 हुई। मेरी पढ़ाई पूरी हिंदी मीडियम रही है, और 1 to 5 तक जिस स्कूल में मैंने पढ़ा वो गर्ल्स स्कूल था। पढ़ने में मैं शुरू से ही बहुत अच्छी रही थी, घर वालों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब टीचर्स से कोई कंप्लेन नहीं आई कि लड़की ने होमवर्क नहीं किया है या ये नहीं किया है। और दूसरी बात ये थी कि मैं बहुत सीधी सादी थी, तो मतलब मम्मी मेरी अभी भी कहती हैं कि काश तुमने कोई किसी चीज़ के लिए ज़िद ही की होती तो हमको याद रहता कि हाँ मेरी लड़की ने कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद की थी, जैसे मिल जाता था। तो मेरे साथ ज़िद क्यों करती है? अब कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना। पढ़ाई में हमेशा अच्छी ही रही हूँ, टॉप 5 में आते रहना शुरू से ही मेरा रहता रहा है। सो क्लास 6 to 8 की पढ़ाई सेम स्कूल में हुई, दूसरे स्कूल में, या उसका स्टैंडर्ड कैसा था? शहर में तो बहुत तरह के स्कूल होते हैं ना, कोई सिटी मॉन्टेसरी, कोई नॉर्मल है, कोई एकदम से गरीब बच्चे जहाँ जाते हैं सरकारी स्कूल उस तरह का है। तो मेरी पूरी पढ़ाई सेमी प्राइवेट बोलेंगे जहाँ हुई है, और 6 to 8 तक की पढ़ाई भी मेरी सेम स्कूल में हुई जहाँ पर मैं पहले पढ़ रही थी। और वो स्कूल लड़कियों के लिए और हमारे घर के पास, मतलब लोकेलिटी के हिसाब से वो स्कूल बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छे स्कूलों में आता है। सिर्फ लड़कियां थीं? हाँ, सिर्फ लड़कियां थीं। तो कोई लड़के नहीं थे तो छेड़ेंगे कहाँ से, सीधा तो रहेंगे सब लोग। ओके, इसके बाद हाई स्कूल सेम जगह पे किया? हाँ, 9th और 10th भी मैंने सेम स्कूल में ही किया है। और वहाँ पे एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगी कि जब मेरा हाई स्कूल था तो उस वक्त साइंस लेने के लिए उस सेम स्कूल में ही टेस्ट होते थे, बिना टेस्ट पास किए आप साइंस नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मैथ ख़राब हो चुकी थी, तो साइंस ग्रुप में मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन मुझे मैथ नहीं मिल रही थी और मुझे होम साइंस लेके पढ़ना था। पर उस वक्त ही दिमाग में ये आ गया था कि अगर हमने मैथ्स नहीं लिया तो आगे किसी कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ सकते, लाइक CPMT में नहीं जा सकते हैं या इंजीनियरिंग के किसी कॉम्पिटिशन में। टीचर्स उनसे मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे एक मौका दे दीजिए कुछ इस तरह का, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक महीने के बाद में मैं फिर से टेस्ट लूँगा तुम्हारा, अगर उसमें तुम पास हो गई तब तो तुमको मैथ्स मिल जाएगी, लेकिन अगर उसमें पास नहीं हुई तो फिर दोबारा मेरे पास मत आना। तो उस एक महीने में मैंने बहुत 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 मेहनत की मैथ्स के लिए, मतलब
पूरी एट्थ की बुक जो मैंने एट्थ में कभी नहीं वो की थी, वो पूरी एट्थ की बुक मैंने मैथ्स की एकदम कंप्लीट कर दी थी। ये कोई सभी कहीं से भी पूछ लें मैं बता दूंगी। फिर टेस्ट सिर्फ तुम्हारा हुआ था, बाकी लड़कों नहीं का? इस तरह पांच लड़कियां थी जिनको टेस्ट देना था, जिनमें से दो लड़कियों को ही मैथ्स मिला आगे और बाकी तीन को नहीं मिला। वेल डन, थैंक यू। सो यहाँ बताना चाहेंगे कि हम तो हाई स्कूल में ग्रेस मार्क से किसी तरह पास हुए थे, फेल होते होते फेल ही हो गए थे एक तरह से, ग्रेस मार्क से पास हुए हैं, और ये हाई स्कूल में अपने पूरे स्कूल में सेकेंड टॉपर रही हैं। और कितने सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था? सो डिस्टिंक्शन मेरा तीन सब्जेक्ट में था और मैं ऑनर्स से पास हुई थी। मैथ्स में आया कि नहीं? मैथ्स में नहीं आया और मुझे बहुत दुख था क्योंकि मुझे पक्का ये था कि मेरा मैथ्स में आएगा। की तरह डिटरमिनेशन के साथ बाकी 12 महीने आपने मेहनत नहीं किया, इसीलिए डिस्टिंक्शन नहीं आया? नो, मैंने 24 महीने उसी डिटरमिनेशन से मेहनत की है। मैं बता दूँ कि मैथ फर्स्ट और सेकेंड, उस वक्त मैथ फर्स्ट और सेकेंड हुआ करती थी, है ना, तो मुझे पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन ये था, मैंने इतना रिवीजन कर लिया था बोर्ड एग्ज़ाम के पहले कि आप कहीं से भी कोई सभी पूछ लीजिए और उसका आंसर मैं आपको करके दूंगी, नंबर्स चेंज करके दीजिए, मैं सब कुछ करके दूंगी। और मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट पेपर मैथ्स में 50 का पूरा किया था। वाओ, इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे मामा ने मुझे वापस अपने सामने, उन्होंने पेपर सॉल्व करके दिखा बुलवाया था और मैंने पूरा करके दिखाया था। तो एक फनी मैसेज ये है कि गधा लड़का टॉपर लड़की को पटा सकता है मतलब उस टाइम पे नहीं, बाद में भी। ओके, सो हाई स्कूल के बाद देन इंटर में बायोलॉजी लिया या मैथ लिया? तो हाई स्कूल में जब बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो पापा को ये हो गया कि हाँ मेरी लड़की बहुत अच्छी है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि पढ़ाई आगे अच्छी चलती रहे और ये आगे डॉक्टर बने, तो डॉक्टर के लिए भाई, और फिर आगे बायो ग्रुप से मैंने पढ़ाई की। तो CPMT की तैयारी करनी थी तो इंटर के साथ साथ पैरेलल कोचिंग चल रही थी या नहीं? नहीं, तो इलेवेंथ में जस्ट एडमिशन ही हुआ था, आई थिंक एक महीने के बाद ही। मम्मी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनकी तबीयत पहले से ख़राब रहती थी बट अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनका ऑपरेशन होना पड़ा था। तो ऑपरेशन से लेके जब तक वो हॉस्पिटल में थी और घर पे भी आई तो मुझे ही सारा कुछ देखना पड़ता था। पढ़ाई हैम्पर हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि बाद में फिर मैंने किसी तरह कवर कर लिया था। ट्वेल्थ में इतना प्रॉब्लम नहीं रहा लेकिन ये था कि जितना मैंने टेंथ में मेहनत की थी उतनी मैंने नहीं की, तो टेंथ से थोड़ा कम नंबर आए थे, डाउनग्रेड हो गया। कोई बात नहीं, बट अच्छे से पास हुई। तो अब हम बात करेंगे कि इंटर के बाद BSc कैसे किया। तो इंटर के बाद एक्चुअली मेरा BSc करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि टेंथ के बाद से ही ये हो गया था कि मेडिकल लाइन में जाना है, तो मैंने सीरियसली BSc के लिए ट्राई नहीं किया। इलाहाबाद में थे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है और यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज है, ये दो ही हैं जिनमें हम फॉर्म डाल सकते थे, तो उनका फॉर्म डाला था। और अनलकीली मेरा CPMT में बस केवल आयुर्वेद में हुआ था जो कि मुझे नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और BSc यूनिवर्सिटी और ECC इन दोनों की लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। मैं चाहती थी कि मैं ECC में पढ़ाई करूं क्योंकि वो साइंस का बहुत अच्छा कॉलेज है इलाहाबाद में, लेकिन मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या स्टोरी? तो जब मैं बहुत छोटी थी तो छोटे बच्चों का क्या होता है कि वो हमेशा धूल मिट्टी में खेलना चाहते हैं, राइट, लेकिन मेरी मम्मी का था कि उन्होंने एक टाइम बना रखा था कि उस टाइम पे मुझे वो पढ़ाने के लिए लेके जाती थी। अब घर पे चाचा बुआ सब रहते थे तो उनको लगता था कि अभी इतनी छोटी सी लड़की है उसको क्यों पढ़ाई में वो करना, अब उसको खेलने दो। तो चाचा मेरे बहुत ताना की तरह बोलते थे कि हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ सीधे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करना। तो मम्मी को वो बात बहुत बुरी तरह लगी थी और उनका ये था कि उनकी लड़की पढ़ेगी, ये लड़की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगी। तो
ईसीसी कितना भी अच्छा हो कुछ भी हो नहीं, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अगर तुमको आगे बीएससी करनी है तो तुम यूनिवर्सिटी में ही करोगी, नहीं तो एडमिशन कहीं नहीं करना है। और यस, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपने पूरे जितने फैमिली के लोग वहाँ रखते थे, अब आई थिंक मोर देन 150 से ज़्यादा लोग। हाँ, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन उसमें मैं पहली थी जिसने बीएससी यूनिवर्सिटी से किया था। मेडिकल का सपना छूटा नहीं था, तो उसके लिए मैंने बीएससी के साथ ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी पीएमटी की तैयारी के लिए। तो सुबह 6 बजे घर से निकलना, 9:30 बजे तक कोचिंग में पढ़ना, उसके बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना, फिर वहाँ से 4:30 बजे तक घर में आना, ये शेड्यूल होता था। उसके बीच में किसी और काम के लिए टाइम नहीं मिलता था, बस केवल घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से। सो बीएससी में हाई स्कूल और इंटर के कंपेरिजन में परफॉर्मेंस कैसी रही? बुरी। सीपीएमटी के चक्कर में, क्योंकि मैं पूरे साल सीपीएमटी की पढ़ाई करती थी, जस्ट एग्ज़ाम की जब डेट आ जाती थी, सब कुछ आ जाता था, तब मैं जाके बीएससी की पढ़ाई करती थी। और फर्स्ट ईयर में तो ये हाल हो गया था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि कब एग्ज़ाम होना है। मैं पास हो पाई सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने पूरे साल एक भी क्लास नहीं मिस की थी। फिर भी फर्स्ट डिवीजन आया था। हाँ, फर्स्ट डिवीजन, मेरा फर्स्ट डिवीजन, मतलब फर्स्ट डिवीजन आया तो भी बुरा है, हमारा तो फर्स्ट डिवीजन मतलब बहुत टॉप हो गया। सो बीडीएस भी मिला था शायद? बीडीएस मिला था मुझे, वो था बीएससी थर्ड ईयर के बाद में, लेकिन बीडीएस मुझे प्राइवेट मिला था, और फिर प्राइवेट तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो ड्रॉप ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो फिर बीएससी के बाद एमएससी में एंट्री किया। हाँ, तो बीएससी थर्ड ईयर में ही फिर एमएससी का एंट्रेंस दिया था, तो मैंने बॉटनी में एडमिशन लिया। केमिस्ट्री मुझे पता था कि उसके लिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने बॉटनी में एडमिशन लिया। बट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मुझे केमिस्ट्री अच्छे से आती है, कि किसके साथ कैसी केमिस्ट्री बनानी है। okay. मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था इसी वजह से। ओके, नहीं आगे आगे चलिए। तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और एमएससी की क्लासेस तो बहुत टफ एक तरह से होती थी। सुबह 8 बजे से प्रैक्टिकल स्टार्ट होते थे, 8 से 11 प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद क्लासेस, और फिर शाम को फिर प्रैक्टिकल्स होते थे। तो इस तरह से टाइमिंग चल रही थी, लेकिन मम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हुई और फिर से उनका ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त काम और पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो मैंने फिर एमएससी ड्रॉप कर दिया, एमएससी छोड़ दिया। जी, एमएससी okay. छोड़ दिया। फिर इसके बाद अगले साल? नहीं, 2 साल मैंने फिर छोड़े रखा है एमएससी, क्योंकि पीएमटी। okay. तो जब दूसरे साल भी पीएमटी में कहीं एडमिशन नहीं हुआ, और उस वक्त भी बीडीएस तक पहुंच गया था और नहीं चाहिए था प्राइवेट, तो फिर फाइनली मैंने उस टाइम ये सोच लिया कि अब ये लास्ट ईयर था जो मैंने मेडिकल का दिया था, अब मैं एमएससी करूँगी। लेकिन जब ये डिसीजन लिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सारे फॉर्म्स चले गए थे और कुछ भी नहीं बचा था। आखिरी दिन था एक फॉर्म का, वो था एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। उस दिन गई, फॉर्म लिया, भर के जमा किया, सब कुछ किया। 1 हफ्ते के बाद उसका एंट्रेंस था, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे बायो इन्फो क्या है ये भी नहीं पता था। जस्ट कुछ भी एमएससी है, भर। जस्ट एमएससी है, हाँ, बस इसीलिए भरा था कि मेरा साल अब और ख़राब नहीं जाए। एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कम्प्लीट किया। तो नेट जेआरएफ, अगर आपको पता नहीं है, तो पीएचडी करने के लिए नेशनल लेवल पर एंट्रेंस होता है, और उस में 2 फेलोशिप होती है, एक जेआरएफ, एक नेटेलस। सो जेआरएफ हाई रैंक वालों को मिलती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है नेट के सब्जेक्ट सिलेबस है, बट हाँ, नेट के सिलेबस पर, नेट के सिलेबस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोगों को लाइफ साइंस पढ़ना था, और हम लोगों को लाइफ साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था उस वक्त तक। शुरू से हर एक चीज़ अपने से पढ़नी थी, तो जो 6 महीने का टाइम था उसमें एमएससी के साथ साथ नेट की भी तैयारी की, और बहुत अच्छे से की। लकीली हम लोगों के एचओडी बहुत अच्छे थे, जब उन्होंने हम लोगों ने उनको बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने हमारे लिए लाइब्रेरी के टाइमिंग्स बढ़वा दिए। उनको जब पता चला कि पूरा बैच ही नेट की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने बुक्स भी सारी लाइफ साइंस की और हर तरह की बुक्स मंगवा दी। शायद आपको पता नहीं होगा,
मैंने भी नेट का एग्ज़ाम सबसे पहला इनके साथ ही दिया था। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस टाइम पे लखनऊ में नेट का सेंटर हुआ करता था और रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज एक फेमस था, उसमें नेट का एग्ज़ाम था और उसी में 2004 में हम दोनों लोग नेट का एग्ज़ाम दिए हैं। उस टाइम पे दोनों लोग का नेट LS हुआ था, कम नंबर आया था, LS हुआ था और बट उस समय पता नहीं था ये बात भी पता और हो सकता है एक दूसरे को देखा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ हो नहीं। हाँ। तो फाइनली फिर 18 लोगों के बैच में जस्ट 3 लोगों का प्री में हुआ था और उसके बाद में जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों का हुआ था, मेरा था और एक और बैचमेट था। बैचमेट का SPM कॉल आई थी। अब अगर आपको SPM नहीं पता है तो GRF से भी ऊपर वो है रैंक आता और मेरा सिर्फ LS हुआ था। बट ये था कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हो जाएगा। सो GRF कब क्वालिफाई किया? GRF मैंने एक्चुअली 2007 में किया है क्वालिफाई। सो नेट LS पे भी PhD मिल जाती है और कंचन को LS के उस पे इनको एडमिशन मिला PhD के लिए कहाँ? तो LS के बेसिस पे मुझे हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उसमें मुझे PhD मिल गई थी। और ये हुआ था मेरे HOD जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिया था और उस बेसिस पे मुझे PhD वहाँ पे मिली थी। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब लोग गए वहाँ पे, एडमिशन लिया हम लोगों ने। फ्राइडे का दिन था, उसके बाद में 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी थी। अब तेजवाज में सैटरडे उस टाइम पे मम्मी को लगा कि लड़की घर से बहुत दूर रहेगी, अकेले रहेगी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे PhD नहीं करने देंगे। सो फ्राइडे को एडमिशन हुआ और मंडे को कैंसिल करके घर वापसी हो गई। सो अगर एक लड़का, इनका यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं फोकस करना चाहूँगा एज ए लड़की होना और एज ए लड़का होना। सो कंचन का भाई दिल्ली जाके जॉब करता था बट कंचन हैदराबाद में रह के PhD नहीं कर सकती थी, जिसको इसको खुद ओन फेलोशिप मिलेगी, सब कुछ ओन मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, कैंपस में रहना है बट नहीं कर सकती थी, तो मम्मी ने वापस ले लिया। फिर इसके बाद 2007 में क्वालिफाई किया GRF। हाँ। और GRF के बाद फिर इन्होंने PhD का प्लान किया कि मुझे PhD करना है, तो लखनऊ कैसे पहुँची? तो अब GRF हो गया और ये था कि भाई अब PhD करनी है और PhD मुझे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही करनी थी जो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और नॉर्थ इंडिया में कहें तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे NMR पे PhD होती है। सबसे पास जो था वो लखनऊ था, तो मतलब मैं लखनऊ गई हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो घर के सबसे ज़्यादा पास में था, जहाँ पर मैं हर हफ्ते घर आ सकती थी और मंडे जाके ज्वाइन। और इनके फेवरेट टीचर AK गुप्ता का स्पेसिफिक रिकमेंडेशन था क्योंकि CBMR इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में था उसके डायरेक्टर को AK गुप्ता अच्छे से जानते थे। हाँ, उसके डायरेक्टर जो थे वो प्रोफेसर तो क्षेत्रपाल, ये भी इनके यूनिवर्सिटी के VC रह चुके थे, दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के VC रह चुके थे, तो एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन था, फैमिली को भी थोड़ा ट्रस्ट था कि मेरी लड़की सही जगह पे जा रही है और डेफिनेटली हर हफ्ते। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं फोकस करना चाहूँगा कि हम लोगों ने PhD में इनका नाम कंचन सोनकर से कंचन फोनकर कर दिया, उधर कट जाएगा। तो क्यों? क्योंकि मम्मी अपा फर्स्ट टाइम ये घर से बाहर निकली थी तो मम्मी सुबह कॉल करती थी, दोपहर को कॉल करती थी, शाम को सूरज डूबने से पहले ये हॉस्टल पे पहुंच गई है कि नहीं तब कॉल करती थी और खाना खा के सोने से पहले मस्ट कॉल करती थी। तो 4 बार आपको कॉल मस्ट है, अगर सुबह कॉल नहीं उठाया तो बवाल हो जाएगा, अगर सुबह दोपहर शाम तक कॉल नहीं उठाया तो रात तक इनकी मम्मी हॉस्टल पे आ जाएंगी इलाहाबाद से 5 घंटे में। एक बार की तो यहाँ पे स्टोरी और बताना चाहूँगा कि कंचन को फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ से बेंगलोर जाना था और उस टाइम पे अभी मैं कंचन के ऊपर जस्ट ट्रायल मार रहा था, तो लास्ट मोमेंट में बहुत सिचुएशनल हो गया था, तो मैंने इनको हेल्प किया कि जल्दी से इनका सारा काम, साइंटिफिक वर्क जो भी है, पोस्टर वगैरह फिनिश हो जाए और ये टाइमली पहुँचे।
तो मैं पोस्टर देने इसके घर पे गया, रूम हॉस्टल के रूम हॉस्टल पे। पे। तो पता चला कि मम्मी पापा बुआ चाचा चार पांच लोग आए हैं कि लड़की पहली बार लखनऊ से बेंगलोर कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इधर कट जाता रहा है। तो इतने सारे लोग आए हैं मिलने के लिए, मैं तो डर ही गया कि जिस लड़की पे ट्रायल मार रहा हूँ इतने लोग आए हैं, बाहर से इसके दोस्त को पोस्टर दिया, दे दो भाई हम नहीं घर में जाएंगे। तो पापा इसको लेके और ट्रेन से फिर बेंगलोर गए, और बेंगलोर में 3 दिन 4 दिन कॉन्फ्रेंस किया, पापा रहे और फिर लेके आए। मतलब अर्जेंट है, अब जाना है तो घर का एक पर्सन जरूर जाएगा, नहीं तो नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना रिस्ट्रिक्शन आती थी। और हॉस्टल पे फर्स्ट टाइम रहने के लिए आई थी, तो किसी लड़के से नहीं मिलना है, कोई लड़का रूम पे नहीं आ सकता है, जबकि कोएड हॉस्टल था तो वहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के रूम पे आते जाते थे। सूरज डूबने से पहले घर आ जाना है। हर सैटरडे को हम लोग की लैब्स दोपहर को बंद होती थी, तो इमीडिएट लैब से निकल के डायरेक्ट बस में बैठना और डायरेक्ट इलाहाबाद और फिर मंडे को आना। तो सबको पूरे लैब में मजाक चलता था, कंचन आज तो बस पकड़ ली इलाहाबाद, कहाँ गई इलाहाबाद। तो तो 2008 में मैंने ज्वाइन किया CBMR डॉक्टर नीरज सिन्हा के साथ में। मैं उनकी पहली स्टूडेंट थी और अच्छे से सब कुछ वो हो रहा था। बहुत सपोर्टिव बॉस हैं, मतलब ये मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत ही सपोर्टिव टीचर्स हमेशा से मिलते रहे हैं। 1 to 12 तक भी कहीं ना कहीं टीचर्स का हाथ रहा है हमेशा आगे बढ़ाने में। उसके बाद AK गुप्ता सर, जो कि MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स में थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए भी, और फिर उसके बाद आगे नीरज सिन्हा सर। तो एक तरह से ये था कि टीचर्स बढ़ाते गए, रास्ता बनाते गए मेरे लिए, जिससे मैं आज यहाँ तक हूँ। तो एक बात बता दूँ कि मैं बहुत शाई थी, बोलने में मुझे बहुत हेजिटेशन होता था, और कहीं प्रेजेंटेशन देना हो जाता था तब तो पूछिए ही नहीं। कितना भी प्रैक्टिस करने के बाद में भी मैं स्टेज पे एकदम सब कुछ भूल जाती थी। तो नीरज सर को लगता था कि इसको कहीं ऐसे जगह भेजना चाहिए जहाँ पे इसको खुद से ही सब कुछ अपना मैनेज करना पड़े, तो हेजिटेशन इसकी दूर होगी। तो इस तरह उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इटली भेजा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के तो जो लिए। लड़की इलाहाबाद छोड़ के कभी बाहर नहीं गई है, लखनऊ किसी तरह आई थी, उसमें भी हर हफ्ते घर रिपोर्ट करना है, दिन में 4 बार फोन से रिपोर्ट करना है, उसको सडनली इटली जाना पड़ता है। स्टोरी बहुत क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक थी। और ऊपर से फूआ फूपा चाचा चाची मम्मी मामा सब लोग कहाँ जा रही है, उड़ने जा रही है, माई गॉड। ओके कंटिन्यू। छोड़ने जाने के लिए, एयरपोर्ट छोड़ने जाने के लिए एक गाड़ी भर के लोग आए थे। तो एक गाड़ी लोग आए थे इलाहाबाद से लखनऊ, और लखनऊ जहाँ पे हॉस्टल पे है वहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर एयरपोर्ट दूर तक एयरपोर्ट है, जाने वहाँ के छोड़ने लिए। के लिए। तो ये एक तरह से लगेगा आपको कि अरे यार सब लोग एक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, तो बहुत मोटिवेटिंग लगेगा आपको। बट अगर इसको टेक्निकली देखें ना, तो ये बहुत डिस्करेजिंग है। मैं अकेले जा रहा हूँ तो कोई नहीं आ रहा है छोड़ने, हाँ यहाँ तक छोड़ दिया, अब आगे चले जाओ तुम। बट एक लड़की जा रही है तो ऐसे लगता है ये नहीं कर पाएगी, सब लोग इसके साथ चलो, ये यहाँ से वहाँ तक एयरपोर्ट पर नहीं पहुँच पाएगी, ये चीज़ नहीं कर पाएगी, इसको सब सपोर्ट करने चलो। तो एक तरह से ये डिस्करेजिंग लगता है कि भाई एक लड़की के लिए इतना क्यों। प्रोटेक्शन ज़रूरी है, जहाँ लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है उस तरह का प्रोटेक्शन होना, साथ में अगर रात में कहीं जा रहे हैं तो साथ में होना। बट जब हम इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी PhD कर रहे हैं, लखनऊ में हैं, दिन में जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, फ्लाइट से इटली जाना है, एवरीथिंग इज सेफ, बट फिर भी लोग वो करते हैं। तो फाइनली फाइनली गई और लौटी हूँ, पापा और मम्मी एयरपोर्ट पे ही थे पिक बट करने के लिए। एज ए जनरल तुम्हारे अंदर कितना चेंज आया इटली से रिटर्न करने के बाद? मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ये मेरा भी एक तरह से पहला वो था जहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट में लखनऊ में चढ़ी हूँ, उसके बाद वहाँ पे गई हूँ। तो किसी को जानते नहीं हैं, लैंग्वेज भी वहाँ पे बहुत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हेजिटेशन थी दूसरों से बात करने में और
कहीं नई जगह एक्सप्लोर करने में वो मेरे अंदर से चली गई. एंड डेफिनेटली कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल लाइक फ्रॉम IITs, बिग यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक जगह. एंड तो अपने आप को प्रोजेक्ट करना भी आया कि हाँ ठीक है. हम उसके पहले तक मुझे नहीं लगता था कि मैंने कोई काम किया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब कुछ करने के बाद लगा अरे नहीं मैंने किया है, अच्छा काम किया है. और जो फर्स्ट ट्रिप में पहले ही जाके वेनिस घूम आए आप अगर इटालियन जाब वो चोरी वाली मूवी देखे होंगे तो पूरा हाँ इटालियन जाब ओके तो पूरा वेनिस का दिखा था पहले बार ही वेनिस घुमाए तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो ऊपर चला ही जाएगा. तो उसके बाद मैंने अपनी PhD टाइम से मतलब 5 साल के अंदर मैंने PhD ख़त्म कर ली. और PhD ख़त्म करने के पहले ही मुझे पोस्ट डॉक मिल गया था यूएस में एरिजोना में यूनिवर्सिटी है, नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पे मुझे मिल गई थी पोस्ट डॉक. मैं साल भर पहले आया और उसके बाद कंचन ने एरिजोना यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया फ्लैग स्टाफ. यस तो फ्लैग स्टाफ में नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया मैंने. वहाँ पे मैंने 1.5 साल के करीब तक काम किया और उसके बाद मेरी पूरी लैब बॉस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में शिफ्ट हो गई. तो 6 महीने वहाँ पे काम करने के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दूसरा पोस्ट डॉक ज्वाइन किया. 1 साल तक वहाँ काम किया मैंने और उसी टाइम पर हमारी शादी हुई 2016 में. तो शादी के बाद फिर डिसाइड कर लिया कि अब एक साथ रहते हैं. तो वहाँ पे छोड़ के मैं बाल्टीमोर में आ गई और यहाँ पे मैंने फिर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. तो यहाँ पे हम दोनों सेम डिपार्टमेंट में हैं, सेम डिवीज़न में हैं, लेकिन हमारे बॉस दोनों अलग अलग हैं एकदम PhD के जैसे. ये दूसरे बॉस के साथ, मैं दूसरे बॉस के साथ. PhD में सीनियर बॉस के साथ, यहाँ पे सीनियर बॉस के साथ, ये जूनियर बॉस के साथ. नो डजंट मैटर, बट एक ही जगह पे हैं और बहुत अच्छा होता है. और हम लोग का काफ़ी डेट, चाय डेट वहीं पे होती है क्योंकि घर पे तो मौका मिलता नहीं है. यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एज ए लड़की क्या प्रॉब्लम फेस की. जैसे हम लड़के हैं जा रहे हैं तो हम लड़की को छेड़ दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम्हें लड़की है, लड़के छेड़ दिए तो कैसा इफ़ेक्ट होता था? बहुत शाई थी मैं, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी. तो जब भी घर से बाहर निकलना होता था सबसे पहले तो डर रहता था कि किस तरह के लोग मिलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं पलट के जवाब नहीं दे पाती थी. तो अगर किसी ने कुछ बोला भी है तो मैं जस्ट सर झुका के सुन के वो कर दिया, इस तरह से रहा है. तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा हो गया था कि घर से बाहर जितना मतलब कम से कम ट्रैवल करना पड़े, कुछ करना पड़े, वो प्रिफर करते थे. और एक घर की इनकी स्पेसिफिक वार्निंग ये थी कि जैसे हर एक लड़कियों को वार्निंग दी जाती है कि ऐसे लगता है कि लड़की जा रही है बाहर तो मतलब इज्जत जा रही है, कोई छू दिया तो इज्जत छू दिया, कोई कुछ हो गया तो इज्जत चली गई. बट वही लड़का जाता है तो हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि इज्जत चली जाएगी. लड़का छेड़ दिया तो नहीं, इज्जत नहीं जाती है. बट लड़की को किसी ने छेड़ दिया, कुछ हो गया तो इज्जत चली जाती है. तो यहाँ पर लड़कियों को इतना डर रहता है कि अगर कोई छेड़ भी दिया, कुछ कर भी दिया तो जाके बताती नहीं है. और ऐसा लगता है कि कुछ बता भी दिए, कुछ बवाल हो गया तो पता चला घर वाले उल्टा बोल रहे हैं कि तुम्हें PhD नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, घर पे आओ शादी करो और जाओ. ऐसा बहुत होता है मतलब बहुत. तो कैसा हुआ सिचुएशन कि घर पे नहीं बताया, चुपचाप अपने अंदर ही रख के जिंदगी में रखे रह गए? बहुत बार हुआ है कि लगा था कि अब नहीं सहन कर सकते हैं लोगों का बात करना, लोगों का कहना. तो लेकिन ये था कि किसी से शेयर भी नहीं कर सकते. तो अगर घर पे बताने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई एक चीज़ ये आ गई थी कि नहीं पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है. और अगर किसी भी वजह से वो चीज़ स्टॉप होगी तो नहीं, हमें उस चीज़ को स्टॉप कर देना है जो हमको PhD करने से या आगे बढ़ने से रोके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग के यहाँ लड़कियों की शादी पहले तुरंत करने लगते हैं, तो कब से घर में तुम्हारे शादी की बात चलने लगी थी? हंसेंगे तो नहीं. नहीं क्यों हंसेंगे, अभी तो मेरी हो गई हो तो हंसेंगे नहीं. तो मेरे 10th पास करते ही मम्मी को लगने लगा था कि अब शादी हो जानी चाहिए. तो 10th से लेके जब तक मेरी शादी नहीं हुई, या कहें कि जब तक मैं US नहीं आई, तब तक मुझे इतने लड़के दिखाए गए हैं, कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ. सो जब MSc या PhD कर रही थी तो क्या तुम्हारे लेवल के लड़के दिखाए जाते थे या? हाँ हाँ क्यों नहीं,
बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। तो एक आए थे रायबरेली से, उनकी मम्मी पापा आए थे, वो रात भर हमारे यहाँ रुके और उनको पता था कि मैं PhD कर रही हूँ। और उसके बाद मतलब बहुत सारी बातें हो गई तो उन्होंने फाइनली क्या बोला, बेटा तुम PhD वगैरह क्या कर रही हो, BEd क्यों नहीं निकाल लेती हो, बहुत अच्छे स्कूल में नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। PhD का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। एक और है बोलो बोलो। वो सर इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर थे कहीं पे जौनपुर में हमको पता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 80,000 में कमाता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं जब पढ़ा के घर पे आऊँ तो मेरी वाइफ घर पे रहे और घर की देखभाल करे और सब कुछ करे, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपना PhD ख़त्म कर दीजिए, आखिर आपको आगे कुछ करना तो है नहीं। तो PhD करके घर पे सिर्फ चाय बनाइए। एक औरत घर पे सारा काम कर लेती है, जैसे हमारे घर पे मोस्ट ऑफ द खाना बनाने घर का काम कंचन करती है और उसके साथ साथ जॉब करती है, हमसे अच्छी सैलरी है ज़्यादा और हमसे इक्वलेंट हम लोगों का कैरियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई बोले कि PhD करके आप, मैं घर आऊँ तो सिर्फ मेरे लिए चाय लेके बैठो, मेरा पैर दबाओ और ये करो, तो थोड़ा लगता है कि यार लड़के लड़कियों को सेम तराजू पे नहीं तोला जा रहा है। बताना चाहूँगा कि कंचन की जो भी फैमिली थी, बहुत बिग फैमिली थी 100 परिवार की, तो उसमें से फर्स्ट BSc करने वाली, फर्स्ट MSc करने वाली एंड फर्स्ट PhD करने वाली लड़की है एंड आई थिंक फर्स्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़की भी है। तो जब तुम PhD करने लखनऊ आई, अच्छा इटली गई, तो क्या लोग ताना नहीं मारते थे? अच्छा क्या प्रॉब्लम फेस होती थी सोसाइटी में, परिवार में? बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़े थे और मुझे नहीं सुनने पड़े थे क्योंकि मैं तो जब बाहर निकल गई तो फिर घर पे लोगों से ज़्यादा मिलना ही नहीं हो पाता था, लेकिन मेरी वजह से मम्मी को स्पेशली ज़्यादा सुनना पड़ता था कि देखो लड़की को भेज तो दिया है, क्या कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्या क्या गुल खिलाएगी, और अभी तो देखो सूट पहनती है, देखो अभी स्कर्ट्स में पहन के आया करेगी। तो इन सब का मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता था। इसी सब की वजह से वो मुझे मतलब हर टाइम उनको जानना रहता था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ, कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ कि उनको और ज़्यादा सुनना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती रही और मुझे हर समय उनको बताते रहना पड़ता था, नहीं मम्मी मैं PhD ही कर रही हूँ, कुछ और नहीं कर रही हूँ। सो यस, डेफिनेटली उसको बहुत सिंसियरली फॉलो करती थी, जैसे मेरे साथ पूरे 5 साल में एक बार मूवी देखने गई, वो भी जब मैं US आने वाला था, और हम लोग की पार्टी में बहुत लास्ट मोमेंट पे जाना शुरू किया, नहीं तो पार्टी में नहीं जाती थी। अगर पार्टी जाना है तो दोपहर में करो तो ठीक है, नहीं तो शाम को नहीं पार्टी होनी है। इटली गई या फिर कभी तुम्हारी सोसाइटी में हमारे बारे में बात पता चली कि इसका किसी के साथ अफेयर है, तो लोग कैसे रिएक्ट करते थे या क्या ट्रबल क्रिएट हुआ तुम्हारे लिए? बहुत ज़्यादा, और शादी के टाइम पे तो और भी ज़्यादा क्योंकि भाई सबको पता चल गया था कि मैं अपने पसंद से शादी कर रही हूँ, तो पिक्चर अभी बाकी है ये कहानियाँ नहीं है। सो ये लंबी स्टोरी है कि हम कैसे मिले थे और क्या लव स्टोरी है, क्यों मैंने इनको सेलेक्ट किया, क्यों इसने मुझे सेलेक्ट किया, क्या हमारा लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। ये रही कंचन की स्टोरी, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहोगी अगर तुम्हारी तरह लड़कियां हैं, चाहे बहुत सारे फाउंडेशन होता है लड़कियों पे, उनके लिए कुछ इनकरेजमेंट के लिए, या कैसे वो कुछ ओवरकम कर सकते हैं उस सिचुएशन को? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा से ये सोचना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रह के नहीं चलना है। एक जॉब ज़रूर से होनी चाहिए, उसके लिए पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इस वक्त हमारे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, TV है, इंटरनेट है, फ़ोन है, सब लोग हर एक चीज़ में बिज़ी हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें लाइफ में कहीं ले नहीं जाएंगी। तो हम लोगों को एक गोल बना के रखना चाहिए कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है, इस तरह से हमें निकालना है, और इसके बाद हमें जॉब करना है, उसके बाद हमें शादी करनी है, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं रहें।
और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं आप लोगों को, अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और उनके लिए भी। के लिए स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं एंड रियली वन लाइक फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू एंड यस आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।